ये हमारा एनालिसिस वाली बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सनराइज लिमिटेड. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, एक में पार्टिकुलर्स हैं, एक में पहले ईयर का है यानी 31 मार्च 2022 का है, और इसमें नेक्स्ट कॉलम है 31 मार्च 2021 का. तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और ये वाला हमारा करंट ईयर हो जाएगा. पर्टिकुलर में क्या क्या दे रखा है, शेयर होल्डर का फंड दे रखा है, प्रीवियस ईयर में है 15 लाख, करंट ईयर में है 22,50,000, नॉन करंट लाइबिलिटी में 7,50,000, और प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर में भी इसमें भी 7,50,000. आगे है करंट लाइबिलिटी 2,50,000 प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की है 7,50,000, नॉन करंट लाइबिलिटी उसमें प्रीवियस ईयर में है 17,50,000 और करंट ईयर में हमारी 26,25,000, और करंट एसेट्स दे रखी है 7,50,000 प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर में हमारी 11,25,000 की. उसके बाद हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका पहले फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट होगा इस साइड में पार्टिकुलर्स, इस साइड में नोट नंबर, इसमें हमारा प्रीवियस ईयर का कॉलम बनेगा और इसमें हमारा करंट ईयर का, फिर हमारा आएगा एब्सोल्यूट चेंज यानी सी जो हमारा ये कॉलम है इसमें क्या होगा, जो करंट ईयर है इसमें हम माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज निकल के आ जाएगा. फिर जो हमारा लास्ट कॉलम है उस वो है हमारा परसेंटेज चेंज का, तो ये इसमें क्या से क्या करना है, जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको डिवाइड दे देना है प्रीवियस ईयर से इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है. तो इस वाले में हमारा ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज का. तो क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा था, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट से ही होगा, तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो फर्स्ट हम उसमें दे रखा है 15 लाख का, और इसमें है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का है 15 लाख, करंट ईयर का है 22,50,000 का, तो दोनों को माइनस करेंगे, 22,50,000 माइनस 15 लाख आ जाएगा हमारा 7,50,000 का, और जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सी हमारा क्या है, यहाँ पे 7,50,000 डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से जो है 15 लाख और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 50% का. उसके बाद हमारा शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर फंड है, जो ये शेयर होल्डर फंड है वो ये वाली वैल्यू है 15 लाख और 22,50,000. उसके बाद हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज है, वो प्रीवियस ईयर में हमारी 7,50,000 और करंट ईयर में हमारी है वो कितनी, 7,50,000, दोनों में सेम है, तो इसका एब्सोल्यूट चेंज हमारा कुछ भी नहीं आएगा, निल हो जाएगा, और परसेंटेज भी इसकी वही सेम निल हो जाएगी. उसके बाद हमारी करंट लाइबिलिटी आती है 2,50,000 प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर में हमारा 7,50,000, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज 7,50,000 माइनस 2,50,000 ये हो जाएगा हमारा 5 लाख का एब्सोल्यूट चेंज, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 5 लाख ऊपर आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2,50,000 से इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो क्या आ जाएगा 200%. फिर अब हम इनका टोटल करेंगे, तो इस साइड का टोटल है हमारा 25 लाख, इन तीनों को प्लस करने के बाद 25 लाख, और इस साइड का टोटल करने पे, इन तीनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 37,50,000, और इनको हमारा जो ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे यानी 37,50,000 माइनस 25 लाख, तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा कितने का, 12,50,000 का. और अब जो यहाँ पे परसेंटेज का टोटल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज का जो हमारा टोटल अमाउंट आया है वो डिवाइडेड बाय जो हमारा प्रीवियस ईयर का टोटल है वो, यानी कि 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज चेंज का जो कॉलम है उसका टोटल आ जाएगा हमारा 50%. तो ये हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड था. अब हमारा एसेट साइड में जो दे रखा था वो डालना है, तो एसेट में हमारा नॉन करंट एसेट ये है हमारा 17,50,000 का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का है 26,25,000 का. अब 26,25,000 माइनस 17,50,000 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 8,75,000 का, तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट चेंज. अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको क्या करना है, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू में 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा जो कितनी वैल्यू है इसकी, 50%.
उसके बाद हमारा करंट एसेट दे रखा है 7,50,000 प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का है 11,25,000। फिर क्या, अब इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, 11,25,000 माइनस 7,50,000 इक्वल्स क्या आ जाएगा फिर हमारा एब्सोल्यूट चेंज जो क्या है 3,75,000। और अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3,75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू में 100, तो ये हमारा हो जाएगा 50%। अब इसका टोटल करना है, तो इस साइड का टोटल 17,50,000 प्लस 7,50,000 ये हमारा जाएगा 25,00,000 का इस साइड प्रीवियस ईयर का टोटल। और करंट ईयर का टोटल भी इसी तरह निकालेंगे, 26,25,000 प्लस में 11,25,000, तो ये हमारी आ जाएगी 37,50,000। अब क्योंकि इन दोनों का साइड सेम होगा, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, तो दोनों साइड इक्वल रहेंगी। यहाँ पे जो टोटल आया है सेम यहाँ पे भी टोटल आएगा, और इसका भी वैसे ही करना है, 12,50,000 डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर का टोटल है 25,00,000 इंटू में 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज का टोटल अमाउंट आ जाएगा 50%। तो ये हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट था, कंपनी का नाम भी आ जाएगा ऊपर, सनराइज लिमिटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।